नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 27 मार्च 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय डिजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो आपका इसमें जो सही विकल्प है वह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा डिजी क्लेम मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल द्वारा जो दावा है वह निपटान मॉड्यूल डिजी क्लेम लॉन्च किया गया है। इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में लॉन्च किया गया है। अर्थात फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी किसान को यदि कोई क्लेम करना है तो वह अब डिजिटल माध्यम से क्लेम कर सकता है, डिजिटल फीचर्स के माध्यम से, और उसे टाइमली क्लेम का सेटलमेंट किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। अर्थात उसे समयबद्ध तरीके से उसे अपना क्लेम मिलेगा। आइए देखते हैं कि बीमा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो क्या है। 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा यह फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इसमें कटाई के पहले और कटाई के बाद जो भी नुकसान किसान का होता है उसको इसमें कवर किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। थान थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। आपके विकल्प हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो आपको बता दें कि थान थाई पेरियार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। और इसे राज्य सरकार के द्वारा तमिलनाडु के वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंगस और स्वीटी बोरा को कौन सा मेडल मिला है। आपके विकल्प हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो नीतू घंगस हैं इन्हें 45 से 48 केजी के वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। और जो सीटी बोरा हैं इन्होंने 75 से 81 वर्ग के भार के वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जो नीतू घंगस हैं इन्होंने मंगोलिया की खिलाड़ी को हराया है, और जो ये स्वीटी बोरा हैं इन्होंने चीन की लीना उंग को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले आपको बता दें यहाँ पर व्याख्या में कि जो 45 से 48 किलोग्राम की जो प्रतिस्पर्धा थी उसमें नीतू घंगस ने लुत्से खान को हराया है, मंगोलिया की है ये, और सिटी बोरा ने 75 से 81 किलोग्राम भार में चीन की जो लीना वोंग है उनको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। आइए देखते हैं कि महिला विश्व मुक्केबाजी कहाँ पर आयोजित हो रही है। तो केडी जाधव इंडोर हॉल नई दिल्ली में यह 15 से 26 मार्च तक आयोजित किया गया। इसमें 65 देशों ने प्रतिभाग किया और उसमें उनके 65 देशों में से 324 प्रतिभागी कुल शामिल हुए थे। इस चैंपियनशिप को मैरी कॉम ने 6 बार जीता है, 2002, 5, 6, 8, 10 और 18 में। इसके अलावा भारत की सरिता देवी, जेनी आर एल, लेखा केसी और निकत जरीन ने क्रमशः 2006 और 2022 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसे नोट डाउन कर लें। मैरी कॉम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पूछा सकता है कि मैरी कॉम ने कितनी बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है, तो इसे याद करना जरूरी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि असम राइफल ने 24 मार्च 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो आपको बता दें कि जो असम राइफल्स है इसकी जो स्थापना हुई थी वह 24 मार्च 1835 को हुई थी। तो इस हिसाब से 128वीं जयंती 2023 में इसकी
मनाई गई है, 128वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आपको बता दें कि असम राइफल एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद का मुकाबला और कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। यह भारत और म्यांमार की सीमा की रक्षा करता है, अर्थात असम राइफल्स जो तैनात हैं, इसके जो सैनिक हैं, वह भारत और म्यांमार की सीमा पर तैनात किए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो वैदिक हेरिटेज पोर्टल है उसका लोकार्पण अमित शाह जी के द्वारा किया गया है और इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इंदिरा गांधी जो आपका राष्ट्रीय कला केंद्र है उसकी स्थापना 1987 में हुई थी। जो भी यह पोर्टल है यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। जो यह आपका पोर्टल है वैदिक विरासत पोर्टल है, यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। इस पोर्टल पर जो आपके चार वेद हैं उनका ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग इस पर अपलोड कर दिया गया है। इस पोर्टल में लगभग 550 घंटे से अधिक की अवधि के जो चारों वेद हैं उनमें 18,000 से ज़्यादा मंत्र अपलोड कर दिए गए हैं और इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपने वेदों के बारे में जानकारी समझ स्थापित कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो यहाँ हम नक्शे में देख सकते हैं कि यह जो राज्य है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने राज्य युवा नीति और एक पोर्टल का युवा पोर्टल का अनावरण किया है। इस पोर्टल के द्वारा जो युवा हैं वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों आदि की जानकारी उपलब्ध इस पर होगी, उसे वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी बताया कि 5 अप्रैल तक राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। इस युवा नीति और पोर्टल के द्वारा उन्होंने यह भी घोषणा की कि युवा कौशल आय योजना को वे लागू करेंगे और इसके तहत, अर्थात युवा कौशल योजना के तहत, युवाओं को सीखने और कमाई करने के आधार पर उन्हें हर महीने कम से कम 8,000 रुपये की राशि दी जाएगी। किसके आधार पर? सीखने और कमाई करने के आधार पर उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। आपका अगला प्रश्न है कि रॉकेट LVM इसका जो फुल नेम है वो है लॉन्च व्हीकल मार्क, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को किसने लॉन्च किया है? तो इसरो के माध्यम से रॉकेट LVM को लॉन्च किया गया है। कब? 26 मार्च को। इस पोर्टल को इसके पहले भी अक्टूबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। तो जो यह रॉकेट है इसे 26 मार्च 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क LVM3 रॉकेट India 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। जो यह LVM3 है यह UK स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड के 36 उपग्रहों को लो ऑर्बिट में तैनात करेगा, अर्थात इसने जो भी 36 उपग्रह ले गया है वह उसे लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे नज़दीकी कक्षा में इसे तैनात करेगा। इससे पहले जो LVM3 है उसके द्वारा 2022 में अक्टूबर में 36 उपग्रह लॉन्च किए गए थे और इस समय 26 मार्च को भी इसके द्वारा 36 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो कहाँ से इसका लॉन्चिंग हुई है? इसरो के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह नई दिल्ली में 2 दिवसीय किया गया है। कितने दिन के लिए? 2 दिवसीय इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक जुनून और योग्यता को बढ़ावा देना है। तो नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रकार से आपका यह आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें अधिक से अधिक और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।